माँ स्वामिनी प्रेरणा सर्वथी स्वभणी त्रिभाषीय सामयिक मल्टीलिंगुअल बाय मंथली मार्च अप्रैल 2023 वॉल्यूम नंबर 3 इश्यू नंबर 13 साक्षी भावनी शक्ति साक्षी भाव की शक्ति द पावर ऑफ इक्विनिमिटी। साक्षी भाव कैवल्य स्थिति है। लेखक डॉक्टर सुरेश गर्ग। साक्षी भाव यानी सत्य दृष्टि, पारखी नजर, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, मध्यम मार्ग, विवेक, सात्विक जीवन के उत्कर्ष की अंतिम स्थिति, अध्यात्म की अंतिम मंजिल, जहां पहुंचकर यानी कैवल्य प्राप्त करके निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है, सत्य के दर्शन किए जा सकते हैं, सामने मोक्ष का द्वार होता है, प्रवेश करो और सत्य में विलीन हो जाओ। साक्षी शब्द महर्षि अष्टावक्र गीता की देन है। न पृथ्वी न जलम नागरनीनम वायुद्योर्नम वा भवान एषा साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नहीं है, यद्यपि मुक्ति पाना चाहता है तो आत्मा को इन सब का साक्ष्य स्वरूप मान। मतलब मानव शरीर पंच तत्व से बना है जो बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु तू यानी आत्मा अजर अमर है। अतः तू यानी आत्मा अपने आप को नश्वर शरीर से अलग करके एक साक्षी बन, मतलब निरपेक्ष दृष्टा बन, तब सत्य सामने होगा। वरना सृष्टि मात्र एक मायावी दृश्य है, माया जाल। जबकि मानव ये समझता है कि मैं शरीर ही हूं, इस अज्ञान यानी अविद्या के वशीभूत मूढ़ मानव अपने आप को कर्ता समझकर मैं यानी अहंकार पाल लेता है, जो दुखों का कारण बनता है। नतीजन वह विभिन्न इंद्रियों के माया जाल में फंसकर प्रकृति के गुणों सत, रज, तम में भ्रमित सा विचरता रहता है। वह जब कभी क्षणिक होश यानी साक्षी भाव में आता है तो स्वर्ग पाने की लालसा के वशीभूत होकर विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों के प्रपंच में फंसकर शरीर को नाना प्रकार से कष्ट देना सत्कर्म समझने लगता है। वरना शरीर को ही सब कुछ मानकर भौतिक सुख सुविधा जुटाने में लगा रहता है। इस बात को समझने के लिए इंद्र एवं विरोचन के बीच एक पौराणिक कथा है, जिसके अंतर्गत जब ये ब्रह्मा जी से ब्रह्मज्ञान लेने गए तब ब्रह्मा जी ने परीक्षक गुरु की तरह कहा, ये शरीर ही सब कुछ है, ब्रह्म है। बस इतना सुनते ही मूढ़ विरोचन इसी को सत्य मानकर चल दिया। परंतु एक बुद्धिमान शिष्य की तरह इंद्र एक बार नहीं कई बार प्रतिप्रश्न करके कड़ी परीक्षा देकर सही उत्तर प्राप्त करने में सफल रहा। आत्म ही ब्रह्म है। नतीजन विरोचन असुरों का राजा हुआ और इंद्र देवताओं का। अष्टावक्र के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए आत्मा तक पहुंचना होगा, तब वह आत्मा दृष्टा बनकर साक्षी भाव से सत्य के दर्शन कराता है, वरना माया महाठगनी। आगे वे कहते हैं, तू ना ब्राह्मण है और ना तेरा कोई वर्ण, ना आश्रम है और ना समाज, बल्कि धर्म अधर्म और सुख दुख मानव की उपज है। तू ना करता है और ना भोगता है, तू सर्वदा मुक्त है। अतः सृष्टि के माया जाल से बाहर निकलकर दृष्टा बनकर साक्षी भाव से देख, निर्णय ले तो सत्य सामने होगा, प्रकाश ही प्रकाश। विडंबना ये है कि मानव दृष्टा न रहकर दर्शक बनकर जीता है, बल्कि दूसरों की दृष्टि यानी उधार की दृष्टि पर जीता है, एक दृश्य मात्र बनकर रह जाता है। आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, चिंतन मनन के बाद दृढ़ संकल्पित मुमुक्षु यानी कि संपूर्ण समर्पण एवं सत्संग के बाद जब शरीर यानी कि इंद्रिया एवं मन से विमुक्त होकर आत्मदर्शन करता है तब उसे जो आत्म तत्व की अनुभूति होती है वह सत्य है, वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। अष्टावक्र के अनुसार कोई ज्ञान अंतिम नहीं है, कोई ज्ञान सिद्ध नहीं है, न कोई प्रमाणित ज्ञान यानी कि जानकारी है, न कुछ ज्ञेय यानी जानने के योग्य है और न कोई ज्ञाता यानी जानकार है। इसलिए विभिन्न मत, संप्रदाय, मठ एवं विचारधाराएं हैं, परंतु आत्मा
हर जगह हर समय एक है, निरपेक्ष है, अतः आत्मबोध सर्वोपरि है। उसके बाद सब अंधकार मिट जाते हैं, यही साक्षी भाव है। सत्य पाने की अंतिम मंजिल मोक्ष द्वार, मतलब अंतरात्मा की आवाज सुनकर संशय रहित होकर जो निर्णय लिया जाता है वही विवेक है, और वही साक्षी भाव, स्थित प्रज्ञ, समबुद्धि, जागृत अवस्था, होश, समदृष्टि, हंस दृष्टि।